कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुके छात्रों की पढ़ाई का खर्च बॉलीवुड हीरो सोनू सूद उठाएंगे। सिटी ग्रुप के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में जो छात्र अपने माता या पिता को खो चुके हैं उनकी पढ़ाई का सारा खर्च सोनू सूद चैरिटेबल ट्रस्ट उठाएगी। हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निदेशक डॉक्टर राहुल मल्होत्रा ने बताया कि ऐसे छात्रों को भी तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जिसमें प्रथम ऐसे छात्र हैं जो कोविड काल में अपने माता पिता को खो चुके हों, दूसरे वह जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल हों जिनके मार्क्स 80 से 90 प्रतिशत के बीच हों, तीसरे ऐसे छात्र जिनकी इनकम बहुत कम हो और गरीब परिवार से संबंधित रखते हों। ऐसे 10 छात्रों का चयन सिटी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। राहुल मल्होत्रा ने बताया कि सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे 18 कोर्सों को फ्री में पढ़ाने की सूची बनाई गई है, जिन्हें सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे छात्रों से पेन तक का खर्च भी नहीं लिया जाएगा। ऐसे छात्रों का पूरा खर्च प्रोफेसर सरोज सूद फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश से ऐसे 10 छात्रों का चयन सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट इज एफिलिएटेड दैट इज सिचुएटेड इन जालंधर एंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट and we are offering Professor Saroj Sood Scholarship. Professor Saroj Sood Scholarship जो है that is a scholarship of the Sonu Sood. Sonu Sood जो अपने बॉलीवुड की हीरो हैं, तो बॉलीवुड की हीरो जो है उन्होंने हमें एंटाइटल किया है कि आप हिमाचल के 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो हम हिमाचल के 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एंड आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, सिटी ग्रुप या सिटी यूनिवर्सिटी प्लस सोनू सूद, आप फाइंड आउट करेंगे कि सोनू सूद ने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में उन्होंने हमें नॉमिनेट किया है कि आप उस स्कॉलरशिप के बेस के ऊपर आप अपने हिमाचल के 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करके आप उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो आपको एक पोर्टल मिलेगा वहाँ पे, जिस पोर्टल के थ्रू हिमाचल के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कौन करेंगे? अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2-3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, किसी की फादर की डेथ हुई है या मदर की डेथ हुई है ड्यूरिंग पैंडेमिक 19 कोविड में, अगर किसी के फादर की डेथ हुई है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी मदर की डेथ हुई है वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर किसी के फादर और मदर दोनों की डेथ हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सेकेंड वन कंडीशन जो हमारी है दैट इज़ द फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बच्चे की कैसी है। थर्ड कंडीशन जो हमारी है दैट इज़ द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट कैसी है। तो अगर ये तीन कंडीशन बच्चा फुलफिल कर सकता है, करता है और हमारे पोर्टल पे अप्लाई करता है, तो उस पोर्टल पे हमने ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है। 18 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सोनू सूद स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शाहपुर कैंपस, मकसूदा कैंपस एंड सिटी यूनिवर्सिटी, तीनों कैंपस में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इट इज़ द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स कि वो कहाँ पर अप्लाई करता है। एंड अगर वो अप्लाई करेगा तो अगर टॉप 10 में आएगा तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट फ्री एजुकेशन जो होगी, वी विल नॉट टेक ए पेनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट विल बी द टोटली फ्री एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। होगा जी, उसमें बिल्कुल जो एजुकेशन होगी पूरा का पूरा इंक्लूडेड होगा, पैकेज में इंक्लूडेड होगा सारा का सारा। फ्री रहेगा सर? जी जी जी, सब कुछ फ्री रहेगा जी, इंक्लूडिंग हॉस्टल आल्सो।